और बच्चों स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं 16th चैप्टर जो कि क्वाड्रिलेटरल से है और इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या है, फिर तो उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या पैरामीटर्स हम देखते हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स एंगल्स क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज भी मैं बता दूंगा, बाद में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। सो बेसिकली हम लोग क्वाड्रिलेटरल के डीप में जाएंगे और जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करेंगे एकदम क्लियर लेवल पे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। गाइस समझो क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल मतलब, एक बात बताऊं मैं आपको, रैंडमली ना चार पॉइंट ले लो, रैंडम चार पॉइंट ले लो, सच दैट रैंडम चार पॉइंट्स लो, सच दैट चारों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर? कोलिनियर मतलब सारे पॉइंट्स एक लाइन में होना। सो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सारे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होंगे। सो चार पॉइंट्स ऐसे लेना है जो कि कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, एंड उन चारों को आप ज्वाइन कर दो, उन चारों को आप ज्वाइन कर दो। सो सपोज आई एम ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स जो मैंने अभी कंसिडर किए हैं, इनको मैंने ज्वाइन किया इस तरह से, ये वाला, फिर उसके बाद इसको ज्वाइन किया, फिर उसके बाद इसको इससे ज्वाइन किया, फिर बाद में ये वाला पॉइंट को इससे ज्वाइन किया। सो इसको ज्वाइन करने के बाद जो फिगर हमारे हाथ में आता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रिलेटरल। ये जो फिगर अपने सामने आया वो है क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। सो इस तरह का फिगर अगर कभी बनता है तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे कोई भी रैंडम फिगर, अगर ये वाला ऐसा, और यहाँ पे रैंडम पॉइंट जिनको ज्वाइन करने की कोशिश करो, ऐसा आप ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, फिर इसको ज्वाइन करो, फिर ऐसा ज्वाइन करो, फिर ऐसा ज्वाइन करो, सो ये हो जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आ रहे समझ में आप लोग? इजी है। सो इजी है, समझ पाना इजी है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? फर्स्ट स्टेप में तो आप लोग को आइडिया आ गया होगा तो कैसे बनाना है क्वाड्रिलेटरल को। नाउ विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट सेक्शन जो कि है अपना रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब आप सपोज आपने रैंडम पॉइंट्स ज्वाइन किए, ऐसा कुछ रैंडम पॉइंट ज्वाइन करके, मतलब आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया, और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड बनाता हूँ क्वाड्रिलेटरल। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल आपने क्रिएट किया, सो होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि रीडिंग एंड राइटिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको लिखते हैं इस तरह से, मतलब उसके जो कोने हैं, मतलब वर्टाइसेस। सी वर्टाइसेस क्या होता है? जिनका एक कॉर्नर रहता है, कॉर्नर बनता है। सी यहाँ पे कॉर्नर है, कितने कॉर्नर्स हैं? चार कॉर्नर्स हैं, इनको बोलते हैं वर्टाइसेस। ठीक है, सो यहाँ से आपको ये भी दिख रहा होगा जिनके चार वर्टाइसेस होते हैं उनको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। ठीक है, जिनके चार वर्टाइसेस होते हैं उनको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, चाहे आप क्वाड्रिलैटरल कैसा भी बनाओ, लेकिन आपको ऐसा कर्व टाइप नहीं बनाना है। ऐसा बनाओगे तो क्वाड्रिलैटरल नहीं है। आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन बनाना है। क्या बनाना है आपको? स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे इस तरह से करके, जैसे ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा, उसके बाद सपोज ऐसा, और आपको इस तरह से, ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्यों क्वाड्रिलेटरल है? बिकॉज इसके चार वर्टाइसेस है। कैसे आए चार वर्टाइसेस? एक दो तीन चार, कहाँ से आए, कैसे आए चार वर्टाइसेस? ये आए हैं चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर, आए समझ में? सो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल को लिखते हैं। ठीक है, सो अब हम और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में और क्या है, और क्या सीन है इसमें। सो अब हम देखेंगे साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उसके पहले वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। जब हम बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल आपको ऑलरेडी पता है इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। सो क्वाड्रिलेटरल में व्हाट डू वी से दैट? सपोज दिस इज ए बी एंड दिस सी डी। सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल वेयर एन ए बी दिस इज ए बी, बी सी डी सी ए डी
आर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी आर दी साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. दे आर दी साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट? दे आर दी साइड्स. व्हाट डू यू मीन बाय साइड्स? साइड्स मीन्स एजेस. व्हाट डू यू मीन बाय एजेस? डंडी, लाइन. सो इसमें क्वाड्रिलेटरल में जो बाउंड्री की लाइन बनती है, चाहे कैसी भी हो, चाहे ऐसी हो या तो फिर आपको इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल भी मिल सकता है ऐसा टाइप का. सो जो ये जो बाउंड्री का जो लाइन है, एक एक लाइन को आप साइड बोलते हो. क्या बोलते हो? साइड. सो आपको किसी ने पूछा कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है उसके साइड्स कितने हैं, तो आप बोलोगे चार. कौन से हैं? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी. दे आर द साइड्स, राइट? इसके बाद आता है एंगल्स. क्या आता है? एंगल्स. व्हाट डू मीन बाय एंगल्स? चार साइड तो चार एंगल. याद रख लो फॉर्मूला, एक दो तीन चार. क्या है ये एंगल्स? नहीं समझ में? कम ऑन, वापस आ जाओ. व्हाट डू मीन बाय एंगल? एंगल मतलब जब दो आजू बाजू वाले साइड्स, आजू बाजू वाले साइड्स एक एंगल बनाते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये आजू बाजू कौन है? आजू बाजू ए बी, बी सी. दे आर दी आजू बाजू वाले साइड्स. ए बी, बी सी आर दी आजू बाजू वाले साइड. इनको बोलते हैं इंग्लिश में एडजेसेंट. सो एडजेसेंट साइड्स फॉर्म वन एंगल. दैट एंगल इज द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो देयर आर टोटल हाउ मेनी एंगल्स फॉर्म्ड? देयर आर फोर एंगल्स. सो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ शेप, इज अ क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड है ना, पैकिंग, पैक्ड है. Closed figure having four sides, four angles, and four vertices. Quadrilateral is a closed figure when there are four sides, मतलब four edges, four vertices, and four angles. Correct? समझ में आया? जहाँ पे sides AB, BC, CD और AD इस तरह से represent किया जाता, आप बोल सकते हो. जैसे ए बी को आपको साइड को डिनोट करना है, तो आप लिखोगे सेगमेंट, एस ई जी. जैसे सेगमेंट साइड्स पूछा है ना, तो आप लिखो सेगमेंट ए बी. साइड्स पूछा है ना, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट डी सी और सेगमेंट ए डी. सो दीज आर दी साइड्स. आप सेगमेंट लिख सकते हो. समझ में आ रहा है? इजी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ देयर कम्स adjacent sides of a quadrilateral. What do you mean by adjacent sides? Adjacent sides मतलब आजू बाजू वाले sides. Let us see क्या है वो. So आजू बाजू वाले, जैसे यहाँ पे adjacent side of a quadrilateral ये रहा. यहाँ पे adjacent sides क्या होगा? देखो बहुत ही simple है समझना. AD and DC are the adjacent sides, आजू बाजू. ठीक है, AD and DC adjacent sides. उसी तरह से DC और BC are the adjacent sides. ठीक है, उसी तरह से BC and AB are the adjacent sides. उसी तरह से A, AB and AD are the adjacent sides. So how many pairs of adjacent sides we have? हम यहाँ पे लिखेंगे the adjacent sides. कौन से adjacent sides है भाई? Pairs of adjacent sides are, पहले तो आएगा ए बी के एडी के साथ, एडी के साथ डीसी, एडी के साथ डीसी. लेकिन एडी के साथ क्या खाली डीसी आएगा? एडी के साथ ए बी नहीं आ सकता? आ सकता है. क्यों आ सकता है? देखो ना, एडी के साथ ए बी क्यों नहीं आ सकता? आजू बाजू दोनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं. सो दे आर आजू बाजू, दे आर एडजेसेंट साइड्स. एडी एंड डीसी ऑल्सो एडजेसेंट साइड्स. सो वहां पे दे आर एडजेसेंट साइड्स, ऐसे आजू बाजू में. करेक्ट? समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है. आ रहा है? सो एडी डीसी वन पैर. पैर मतलब जोड़ी, मतलब ऐसा, इस तरह से जैसे ये इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये जोड़ी में, ये दोनों जोड़ी में. सो पैर एडी और ए बी अगेन पैर है, क्योंकि आजू बाजू जोड़ी. उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है? डीसी एंड बीसी. आप बोल सकते हो डीसी एंड बीसी आर अनदर, दी थर्ड पैर आप बोल सकते हो. करेक्ट? डीसी एंड बीसी आप बोल सकते हो, ये मेरा थर्ड पैर है. उसके बाद आएगा आपका डीसी बीसी, साथ में आ गए.
क्या बीसी और एबी नहीं हो सकता है? बीसी और एबी नहीं हो सकता है? हो सकता है, बीसी और एबी हो सकता है। अगर आप देखोगे तो चार पैर बन गए। सो अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल देर आर टोटल फोर पैर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, देर आर फोर पैर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। समझ में आए? अभी यूनिक पैर। सो एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज फोर पैर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। सो आप यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोल सकते हो कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, सो एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं ना, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता ही है। सो कोई भी एडजेसेंट साइड्स होंगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होंगे, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। समझ में आ रहा है? ये चीजें समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम लोग देखेंगे ऑपोजिट साइड्स। अभी क्या देखा हमने? एडजेसेंट साइड्स। अभी क्या देखेंगे? ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे। देखो, एडी जो है एक साइड है, बराबर। बीसी भी एक साइड हो, लेकिन ये कौन सा साइड है? ऑपोजिट साइड, मतलब जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट में आते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट में। ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट में, वो ऑपोजिट साइड है। और उसके बाद ए बी एंड डी सी आर ऑपोजिट साइड्स, अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देर आर ओनली टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। एक है ए डी एंड बी सी, एंड सेकेंड है ए बी एंड डी सी। सो देर आर टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एक तो ए डी एंड बी सी और दूसरा है ए बी एंड डी सी। दूसरा किसकी बात की मैंने? ए डी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी, सॉरी। सो देर आर ओनली टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे डोंट हैव कॉमन वर्टेक्स। ऑपोजिट साइड्स अगर आप कंसिडर करते हो तो दे वोंट बी शेयरिंग एनी कॉमन वर्टेक्स। दे डोंट हैव कॉमन वर्टेक्स। इजी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एडजेसेंट एंगल्स, लेट अस सी व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? लेट अस सी। नाउ देयर कम्स एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सी, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जिस तरह से एडजेसेंट साइड होता है ना, वैसे एडजेसेंट एंगल होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एडजेसेंट साइड, आजू बाजू, और ये वाला और ये वाला ऑपोजिट कहलाता है साइड्स। सो ऐसे केस में अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? अभी जैसे सपोज इसको मैंने एंगल नंबर वन समझा, तो उसका एडजेसेंट एंगल कौन है? या तो ये है या तो ये है। सो मतलब वन एंड टू आर दी एडजेसेंट एंगल्स, एंड वन एंड थ्री आर दी एडजेसेंट एंगल्स। वन एंड टू आर दी एडजेसेंट एंगल्स, वन एंड थ्री आर दी एडजेसेंट एंगल्स, बराबर। समझ में? जैसे अपने केस में यहाँ पे देखते हैं, सपोज ये एंगल डी है, ये वाला एक एडजेसेंट एंगल है और ये वाला एडजेसेंट एंगल, लेकिन वो कौन सा है? एडजेसेंट एंगल, बाजू बाजू में। उसी तरह से डी और ई भी एक एडजेसेंट एंगल का पेयर है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी एंड एंगल जी वन पेयर, एंगल डी के साथ एंगल ई सेकेंड पेयर, एंगल डी के साथ एंगल जी वन पैर, एंगल डी के साथ एंगल ई वन पैर। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोल सकते हो? उसके बाद ई और एफ सी, डी और ई आपने ले लिया, डी और जी ले लिया। अब यहाँ पे आते ई और एफ, सो एंगल ई के साथ एंगल एफ एडजेसेंट है और एंगल एफ के साथ एंगल जी एडजेसेंट। और अगर आप कुछ देखोगे तो रिपीट नहीं हो रहा है। सो देयर आर फोर यूनिक एडजेसेंट एंगल्स, एंगल डी एंड जी वन, एंगल डी एंगल जी एंड डी वन, एंगल डी एंड ई सेकंड, एंगल ई एंड एफ थर्ड, एंगल एफ एंड जी फोर्थ। सो दीज आर दी फोर एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वी हैव विल हैव वन कॉमन आर्म एंड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब जब दो एडजेसेंट एंगल आप देखते हो ना, सो उसके बीच में जो होता है ना, एक आर्म आता है, एक साइड आती है, डंडी आती है,
वही वो बोल रहा है कि भाई जब आप दो एडजेसेंट एंगल्स देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो बीच में आपको एक साइड दिखेगा, और वो ऑब्जर्वेशन से समझ में आते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है कि जो ना समझ में आए। सो यहाँ पे आप लोगों ने समझने की क्या कोशिश की, एडजेसेंट एंगल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो समझने की कोशिश की, समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑपोजिट एंगल्स। और एक बात बता दूं आप लोग को, अगर कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप वापस से वीडियो को देखो, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन सो एज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, राइट। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिस तरह से ऑपोजिट साइड होता है उस तरह से ऑपोजिट एंगल होता है। साइड में हम लोग ऑपोजिट साइड की नजर के ऊपर नजर डालते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल, जैसे सपोज ये एंगल नंबर वन, सो ये है ऑपोजिट एंगल, सपोज ये है एक एंगल तो उसका ऑपोजिट है ये एंगल। ऑपोजिट एंगल मतलब ऑपोजिट में लाए होने वाला, समझ में आ रहा है आप लोग को ऑपोजिट एंगल। सो वो इफ आई से ऑपोजिट एंगल्स आर ऑपोजिट एंगल टू ई एफ जी, ई एफ जी का ऑपोजिट एंगल है एंगल ई डी जी, इसका ऑपोजिट एंगल है ये। ऑपोजिट एंगल टू एफ जी डी, कहाँ है एफ जी डी, एफ जी डी इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा ऑब्वियसली ये एंगल ई होगा, मतलब एफ ई डी एंगल, एफ ई डी, आया समझ में आप लोग को। ऑब्जर्व कर ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ऑब्जर्व कर। सो ऑपोजिट एंगल, वापस से आपके पास दो पैर आ गए, सॉरी एक पैर आ, मतलब बेसिकली सिर्फ दो ही है, मतलब वन पैर, ठीक है। आपने देखा था, जैसे हमने क्या देखा था कि जैसे ऑपोजिट साइड्स में हम लोगों ने देखा था सिर्फ दो थे, ऑपोजिट एंगल्स में भी दो है, दो पैर है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स में भी दो पैर है, एडजेसेंट साइड्स में चार पैर है, एडजेसेंट एंगल्स में भी चार पैर है, समझ में। आप लोग को ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्वेशन देखो किस तरह से हम जनरेट कर रहे हैं। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो इसका डेफिनेशन, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच डू नॉट हैव कॉमन आर्म, जैसे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, दे डू नॉट शेयर अ कॉमन आर्म, मतलब कॉमन साइड, ठीक है, उनके बीच में कॉमन साइड नहीं। जैसे इसकी और बात करो, इसकी बात करो तो दे हैव अ कॉमन आर्म, जो डी जी, ये वाला डी जी, लेकिन एंगल डी एंड एंगल एफ दे डोंट हैव कॉमन आर्म एंड आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अब डायगोनल्स की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब आप ऑपोजिट एंगल्स को जोड़ देते हो, जब भी आप ऑपोजिट एंगल्स को जोड़ते हो डायगोनल बन जाता है। कैसे देखते हैं, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, आपने क्या क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि उसके चार साइड है और चार एंगल, कौन से चार साइड है, तो साइड ए डी है, उसके बाद डी सी है, बी सी है और ए बी है, और उसके बाद एंगल्स कौन से एंगल से उसका ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सो इससे प्रूव होता है कि वो क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स मतलब व्हेन वी जॉइन ऑपोजिट एंगल्स वी गेट डायगोनल्स, व्हेन वी, या इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना, इन केस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इन केस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन वी जॉइन ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट वर्टाइस, व्हेन वी गेट एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट वर्टाइसेस, व्हाट डज इट मीन, मतलब ये रहा आपका ऑपोजिट एंगल, किसके साथ, इसके साथ ऑपोजिट है, अगर आप ये दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो पहला डायगोनल मिल गया, और आप इसको अगर इसको ज्वाइन करेगा तो दूसरा जो डायगोनल मिल गया। सो इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देयर आर हाउ मेनी डायगोनल, देयर आर ओनली टू डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल,
The line segments which join the vertices of opposite angles of a quadrilateral are the diagonals, and we have only two diagonals in a quadrilateral. आया आप लोग को समझ में? सो ये था हमारा डायगोनल्स. सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, राइट? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्ट होती है तो यू कैन पिंग मी. मेरा नंबर आपको ऑलरेडी मैंने दिया है व्हाट्सएप 7304607523. आप यहाँ पे मुझे पिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हो. ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल. सो जो एंगल्स हैं, ठीक है, जो एंगल्स होते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स होते हैं, उसका सम जो होता है 360 डिग्री होता है. कैसे? मैं आपको एक वो देता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल समझने की कोशिश करो. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे रियल, ये रियल एग्जांपल है, मतलब रियल टाइम एग्जांपल. इसका जो है ये है कितना था, 110, ये 110 डिग्री है, डिग्री की बात करो, डिग्री की बात करो. सपोज ये 110 डिग्री है और इसका मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ फिकम फाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ. दिस इज 30 एंड दिस इज 40. सो ये एक ट्रायंगल है. कौन सा ट्रायंगल? ऊपर वाला ट्रायंगल है, नीचे वाला भी ट्रायंगल, उसका भी एंगल बताता हूँ. उसका एंगल है, ये है आपका 40, ये है आपका 40 और ये है आपका 20 और ये कितना है, ये है 120. ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है. छोटे छोटे एंगल, ये वाला एंगल 40, ये वाला 30, ठीक है, ये वाला 40, ये वाला 20. ठीक है, सो बेसिकली ये वाला ट्राइंगल से, दोनों ट्राइंगल से. अब देखो सारे एंगल्स का सम करो. अब क्या करो, एंगल क्यू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू विल बी 120. एंगल पी क्या हो जाएगा, 40 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 70. एंगल आर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 60. बराबर, दिस इज. और उसके बाद एंगल एस हो जाएगा 110. When you add all the angles, angle Q plus angle P plus angle R plus angle S, then it is what? 70 plus 60 plus 110. If you add these angles, 120, this is 190. 190 plus 60 plus 10 ka 110 karunga, this is 170. So this is equal to 360 degree. बेसिकली वॉट आर यू गेटिंग, अगर आप इस तरह का एक सैंपल लेते हो, सो ये जो सम होता है एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल का जो इंटरनल एंगल है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज ऑलवेज 360 डिग्री. मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल को ज्वाइन करने से बनता है. जब दो ट्रायंगल को आप ज्वाइन करते हो, जैसे इस तरह से, ये ट्रायंगल नंबर वन, ट्रायंगल नंबर टू, जब दो ट्रायंगल को ज्वाइन करते हैं तब एक क्वाड्रिलेटरल बनता है. एक ट्रायंगल का सारा का सारा एंगल सम जो होता है, सारे के सारे तीन एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180. दूसरे वाले ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है 180, दोनों को ऐड करो 360 होगा. और ये हमने प्रूव भी किया कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स अगर आप ज्वाइन करोगे, उनका सम करोगे, तो 360 डिग्री होता है. सो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग, सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है, सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. करेक्ट, इजी है. ठीक है, सो ये था सारा का सारा. सो यहाँ पे सी, हम लोग ने इस पर्टिकुलर जो वीडियो में हमने क्या समझने की कोशिश की, सबसे पहले वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल. हमने ये समझा कि साइड्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, हमने ये समझा कि एंगल्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, हमने ये समझा कि डायगोनल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं,
एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, वर्टाइसेस क्या होते हैं, डायोगनल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, समझ में आया? सो ये सारी की सारी चीजें, प्लस हमने लास्ट में ये देखा कि जो चारों एंगल जो तो आप बोल रहे हो ना, उनका जो अंदर का एंगल का जो सम करोगे वो हो जाएगा 360 डिग्री. सो दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल एंगल्स. ये सब जो होते हैं ना, इनको इंटरनल एंगल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटरनल एंगल्स. तो उनका सम होता है 360. ठीक है गाइज, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. ये था आपका इंट्रोडक्शन नंबर वन. दिस वॉज इंट्रोडक्शन नंबर वन. देयर इज गोइंग टू बी सेकेंड इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल. लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर दिस वीडियो. एंड बिफोर जस्ट एग्जिटिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, डू लाइक दिस वीडियो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Let's meet in the next video. Till then, take care. Like karna mat bhulna. And share. Thank you very much. Bye bye. Take care. Bye bye.